हेलो एवरीवन, तो ये हमारा सस्पेंड के बाद नया जो नया हमने चैनल बनाया था, तो ये आज का हमारा पहला ब्लॉग है जो ये ईएसआईसी हॉस्पिटल है जो बिहटा में है। हमारा पहले ब्लॉग में भी था बट वो सब आप भूल जाइए, बस इस पे फोकस कीजिए इस चैनल पे, ठीक है। तो हम और सोनू और वीरेन ये हम लोग सब जा रहे हैं वहाँ पे। पहला हम लोग हेल्थ से रिलेटेड पहले बना लेते हैं क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे मनेर से बेटा की तरफ नहीं है, आरा के मोड़ तरफ है, तो हम आपको सब दिखाएंगे। तो हमारे ब्लॉग के साथ आप बने रहिए। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से मनेर से? 12 लगभग 12 किलोमीटर है, तो आप ब्लॉग में बने रहिए, आगे बताएंगे। चुके हैं डीजल लेने, हम लोग बाइक में डीजल लेंगे अभी, है ना जी? डीजल लेंगे ना, हम लोग अभी नहीं डीजल लेंगे बाइक में, तो थोड़ा सा वेट रुकना पड़ेगा हम लोग। बहुत भीड़ है, देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़। कितना का लेगा सोनू? 800 का डीजल ले रहा है, 800 का डीजल ले रहा है। हम लोग जाएंगे पेट्रोल पंप, सारा इसी का है, वो देखिए वो मालिक है पेट्रोल पंप का, 800 रुपये का डीजल ले रहा है सोनू। हो रहा है। तो डीजल भराने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको रूट दिखाएंगे। रूट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग रूट उतना नहीं दिखाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी रूट नहीं देखिएगा तो अगर मान लीजिए आपको अगर हॉस्पिटल जाना होगा तो आप कैसे जाएंगे? तो इसलिए गूगल है, लेकिन हमारे वीडियो में दिखाना अनिवार्य है। यहाँ से हम लोग राइट टर्निंग लेंगे। ये चोर है देखो, हाँ ये नहीं, वो सब नहीं बोलना है। टर्निंग पे से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं है, होगा लगभग 4 किलोमीटर होगा यहाँ से मे बी। इसी तरफ से आरा मोड़ इधर ही है, यहीं से आरा मोड़ का जाता है रास्ता यहाँ से। अरे गड़िया में हेल साइलेंट, ये देखिए एनडीआरएफ के बगल में। और ये मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ का जो टीम होता है, जो डिपार्टमेंट है, उसी के बगल में है ये एनडीआरएफ का। अंदर घुसा हुआ है गाड़ी? हाँ अंदर घुसा है वो। हम लोग पहुँच पहली बार कैसे से जाए पट्टी टू पट्टी रूल ब्रेकर तो हम लोग जाए देता है। अरे जाए देगा नहीं तो चलो। अरे ये ऑटोमेटिक है क्या? है देखिए नैनी विकास हुआ है ऑटोमेटिक। पार्किंग लगाने के लिए पहले आपको यहाँ पार्किंग ऑर्डर लगेगा। देखिए
गया भैया, ये हो गया, लंगी लगा भी था हम बाइक पे। बड़ा ठंडा ठंडा है कहने रे, कहने रे, चलो चलो सीधे चलो ना। पार्किंग लॉट में पहुंच चुके हैं हम, अपना बाइक हमारा बुकाटी जो है उसको हम पार्क कर चुके हैं हम, और ये सब जा रहे हैं ऊपर, और जो भी होगा हम आपको पूरा दिखाएंगे, इसका प्रोसेस बताएंगे, प्रोसेस का ही सिस्टम का। तो पहुंच चुके हैं, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको, पूरा बताएंगे इसके बारे में, क्या यहाँ का फैसिलिटी दिया जाता है। हमारे ब्लॉग में आप सब कुछ देखिएगा, यहाँ पे गार्ड एनी टाइम रहते हैं, हमेशा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल रहता है हमेशा। तो यहाँ पे पहले नहीं था, बट अब इमरजेंसी वार्ड भी खुल चुका है। मैं आपको लास्ट में एक राज की बात बताऊंगा, एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात आपको मैं बताऊंगा, बट आप मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे तब वो बात जान पाएंगे, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात हम लास्ट में बोलेंगे, तो प्लीज़ वेट एंड वॉच। करता है आपको यहीं से करना पड़ता है सब चीज़, यहीं पे नंबर लगता है यहाँ पे। चलिए हम आपको अंदर जाते हैं, अभी अंदर का देखिएगा। है ना, लास्ट में मैं राज की बात बताने वाला हूँ, प्लीज स्टे। इस बार यहाँ का नियम चेंज है, पहले यहाँ से पुर्जी लिया जाएगा फिर वहाँ पे जाया जाएगा, तो यहाँ से हम यहाँ पे अभी टोकन लेंगे या पुर्जी लेंगे फिर वहाँ पे जाएंगे, और बहुत ज़्यादा लंबा भीड़ है। तो अभी हमारा टोकन, इसका टोकन नहीं कटा यहाँ पे, बहुत अब पहले से ज़्यादा फैसिलिटी दिया गया है यहाँ पे, और सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है यहाँ पे, और सब चीज़ नियम से चलता है। पहले हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये सिस्टम नहीं था, बट ये सिस्टम बेटर कर दिया है पहले से, कि नंबर के अनुसार जैसे होता है पुर्जा कटाता है सब सिक्वल्स वाइज होगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अब रख दिया गया है। ऐसे है, एक फुल्ली एसी रहता है यहाँ पे, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे गार्ड होते हैं हेल्प के लिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्ड होते हैं हेल्प के लिए, अगर आपको कुछ नहीं आता है वो आपको यहाँ पे बताते हैं। आपको यहाँ पे पहले आने के लिए यहाँ पे पहले नंबर कटाना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका पूजी देखा जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाया जाता है, इसके लिए सारा चीज़ सिक्वल्स वाइज होता है, सब लाइन में होता है यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा इसमें ये बताया जाता है, जैसे आप यहाँ पे नए नए आए हैं, अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट पता नहीं कि कहाँ है, तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन है ये बता देता है कि कहाँ पे है। यहाँ पे बहुत, ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो हम पूरा नहीं दिखा पाएंगे, अगर जितना पॉसिबल हो उतना हम दिखा सकते हैं, तो इस ब्लॉग में आप बने रहिएगा और पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारा एक और ब्लॉगिंग चैनल था जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसमें भी था पर पूरा नहीं था, पर इसमें हम कोशिश करेंगे पूरा दिखाने का, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है, तो इसमें पूरा तो हम नहीं दिखा सकते हैं ना, बस बता सकते हैं कि फैसिलिटी एकदम बेस्ट है यहाँ का। और यहाँ एक दो सिस्टम है, एक जो पहले से कार्ड बनाया जाता है, जो कार्ड बनता है उसका अलग से फैसिलिटी है, उसको कभी लाइन नहीं लगना पड़ता है, अगर उसका संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो उसको वहाँ पर लाइन लगाया जाता है, बट इतना जितना नॉर्मल लोगों को फेस करना होता है प्रॉब्लम, मतलब लाइन लग के, उतना कार्ड वाला को नहीं होता है। पहले इसका कार्ड बनता था, तो उसी कार्ड वाले को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि उसको कभी लाइन नहीं लगना पड़ता या प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। तो याद है ना, मैं लास्ट में एक राशि बात बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ रुके रहिए वीडियो के अंत तक। नहीं है कि हॉस्पिटल का हर एक चीज़ फैसिलिटी देखा जाता है, बट कोई आपको किसी ब्लॉग में बाथरूम का फैसिलिटी नहीं दिखाया होगा कि हॉस्पिटल में बाथरूम कैसा होता है। अगर जाना जाता है, अगर हॉस्पिटल बेस्ट हो तो उसका बाथरूम भी बेस्ट होना चाहिए। तो अभी हम बाथरूम जा रहे हैं, देख रहे हैं, वही देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ का बाथरूम कैसा है, फैसिलिटी कैसा देता है यहाँ का बाथरूम।
रहता है यहाँ पे, तो यानी यहाँ का फैसिलिटी बेस्ट है, मतलब अच्छा है, यहाँ का फैसिलिटी अच्छा है। जब बाथरूम ही साफ़ है तो सब चीज़ बेटर होगा ही। यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और सिक्योरिटी का तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गार्ड एनी टाइम मतलब हमेशा ही रहते हैं, हमेशा आपकी हेल्प के लिए रहते हैं। अगल बगल ये रहता है, बाथरूम का चल जाइए। क्या बात करता है यार, वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मार। यहाँ हमको एक चीज़ हमको अच्छा लगा, आप सभी को अच्छा लगेगा कि रूल इज़ रूल होता है। जो रूल जो नियम यहाँ पे बनाया गया है वो सबके लिए एक जैसा है, इक्वलिटी दिया जाता है यहाँ का हॉस्पिटल में। यहाँ मैं बहुत देरों से ढूंढ रहा था कि यहाँ पे कैंटीन कहाँ पे है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में कैंटीन रहता है, तो हमको मिला या गार्ड से पूछे थे तो मिल चुका है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं देखते हैं। तो अभी कैंटीन में हम लोग जा रहे हैं, हम सोनू और वीरेन देखेंगे क्या क्या वहाँ का खाएंगे, नहीं बस दिखाएंगे देखेंगे, बस इतना ही हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, चलो रुके ना मर गए। अरे बड़ा मस्त भी हुआ भाई, भाई बाबू ये सब दिखाने चल रहे। ये देखिए फायर हाउस, हमारे बिहार ही गंदा हो चुका है। ये देखिए क्या, ये देखिए आग के बहुत बड़ा सुरक्षा यहाँ लगा, यही है डॉक्टर ही सकता है। तो ये है सफैया का भी ध्यान रखा जाता है। हाँ मेन्यू है, लिफ्ट का भी फैसिलिटी तो हर हॉस्पिटल में होता है। लिफ्ट से जाएगा, इसको पहले फ्लोर पे जाना है फिर भी ये लिफ्ट से जाएगा, लेकिन नहीं तो सिर से चलो। हम 7th फ्लोर पे आ चुके हैं, यहाँ पे ऑपरेशन जो भी जितना भी ऑपरेशन होता है यहीं पे होता है 7th फ्लोर पे यहाँ का। और हम अभी हॉस्पिटल के जो टॉप होता है छत रूफ होता है उस पर हम जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो हम पूरा तो इस ब्लॉग में, इस छोटे से ब्लॉग में दिखा तो नहीं सकते पूरा हॉस्पिटल, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और पॉसिबल भी नहीं है दिखाने का। तो इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। हाँ और एक बात कि यहाँ का एक कॉलेज भी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, बट आप हमारे ब्लॉग में अभी बने रहिए। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली हम फार्मेसी के पास आए हुए हैं, दवाखाना के पास आए हुए हैं। अब वो भी दिखा देते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। नियम है कि अगर आपके पास कार्ड होता है तो उसका अलग लाइन बनाया जाता है। यहाँ पे जो कार्ड बनाता है उसका अलग से लाइन लगता है, और जो जिसके पास कार्ड नहीं होता है उसका अलग से लाइन होता है। और यहाँ पे जितना भी टेस्टिंग होता है, जो भी रिपोर्ट आपको जांच कराना होगा बॉडी का, कुछ भी ब्लड टेस्टिंग, जो भी जितना भी टेस्ट होता है इस लैब में होता है। तो चलिए वो लैब भी आपको दिखाते हैं। तो अभी तक अगर आप हमारे ब्लॉग में हैं तो सब चीज़ देख लिया होगा, बस एक चीज़ बच गया है। हम जो आपको बताए थे याद है ना, कि हम बताए थे कि एक एंड में ब्लॉग के एंड में आपको राज बताएंगे, तो अभी नहीं बताएं, बस बने रहिए, बस थोड़ा सा और दिखा देंगे। अभी कॉलेज दिखाएंगे कि यहाँ पे कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज, तो वो भी दिखाने के बाद हम आपको राज के बाद बताएंगे। बता दूँ कि यहाँ का फैसिलिटी, हॉस्पिटल का फैसिलिटी सबसे कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ का अच्छा लगा, अच्छा है, अच्छा लगा क्या, अच्छा है ही। तो अभी तक तो है, अब जाएंगे तो देखेंगे और आगे भी बनाएंगे। ये अपोलो का फुल पूरा इतना ज़मीन है, पूरा ज़मीन में अपोलो बना हुआ है। देखिए थोड़ा बाइक वाली स्पीड चलाओ कि हमको डीडेक्स भी दिखाई पड़ेगा। देखिए पूरा अच्छा खासा ज़मीन है, लग रहा है कि मुंबई में आए हुए हैं अभी हम। बहुत मस्त जगह है,
इधर कॉलेज भी है आगे, कॉलेज इसके आगे दिखाएं आपको, कॉलेज भी दिखाते हैं। ये देखिए पूरे इमरजेंसी वार्ड सब सब इधर ही है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग। हाँ उधर था, इतना सारा बिल्डिंग हमको पता तो नहीं है कि क्या है, बता दे रहे हैं कि सब हॉस्पिटलें हैं। देखिए अब आगे देखिए, ये मेडिकल कॉलेज आगे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए वहाँ मेडिकल कॉलेज है, जो बड़ा है ना ये मेडिकल कॉलेज है। यहीं पर सब आती है, सब लड़कियाँ और लड़कों लड़का सब पढ़ने आता है यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं। देखिए मेडिकल कॉलेज आगे आपको साफ से दिखाई दे रहा है, मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है। अब अपोलो हॉस्पिटल ESIC हॉस्पिटल और बेटा बेस्ट हॉस्पिटल है इधर बेटा का, ये सबसे बेस्ट हॉस्पिटल। ओम फो बनियासगढ़ चला, टर्निंग ले लीजिए क्या। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पूरा खड़ा किया हुआ है, पैसा तो पसीने की तरह बह गया होगा, सॉरी खून की तरह, रुकता ही नहीं पैसा। अभी हम लोग वहाँ पे गए थे मेडिकल कॉलेज, जितना आपको दिखा होगा बस उतना ही दिखा होगा, क्योंकि हम लोग गए थे तो वहाँ पे एक गार्ड थे, उन्होंने बोला कि आगे नहीं बनाना है तुम लोग को, आगे हम लोग का एंट्री नहीं था, मना किया, बोला कि आगे जाओगे तो कैमरा तुम्हारा जब्त कर लिया जाएगा, तो इसलिए हम लोग नहीं गए, बस चले आए वहाँ से। एट द एंड ऑफ माई ब्लॉग तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप आइएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें, मतलब दवा भी आपको फ्री में ही मिल जाता है, इलाज भी फ्री में ही होता है यहाँ पे, कभी भी आइएगा तो यहाँ पे फ्री में ही होगा और पूरा सेफ्टी के साथ। और मैं बता देना चाहता हूँ ये लास्ट में कि हमारा जो नया ओल्ड चैनल था मनेर ब्लॉग से ही, उसको हटा दिया गया था, तो ये नया चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।